नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल परेश जैन में स्वागत है। दोस्तों, रहीम ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि प्रेम पंथ बड़ो कठिन। आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। प्रेम पंथ बड़ो कठिन मतलब प्रेम करना बहुत ही कठिन काम है। कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं रहीम, किस प्रेम की बात कर रहे हैं, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साधारणतः प्रेम के तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार, जिससे कि आप, मैं और सारी दुनिया वाकिफ है, सभी लोग उस प्रेम में है, फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरना, ये उसका हिंदी में अनुवाद हो गया। फॉलिंग इन लव यानी कि प्रेम में गिरना। प्रेम में गिरना शब्द से ही ये मालूम पड़ता है कि आप किसी न किसी या जिस व्यक्ति से आप प्रेम कर रहे हो, आप उसके गुलाम बनते ही जा रहे हो। जब आप किसी स्त्री से प्रेम में पड़ते हो या कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ प्रेम में पड़ती है, तो मुख्यतः यह होता है कि आपका सारा चैन लूट जाता है, आप बेचैन हो जाते हो, आप उसको मिलने के लिए आतुर हो जाते हो। और जब ऐसा नहीं होता है तब आपको बहुत तकलीफ होती है, आपको बहुत पेन होता है। तो आपकी सारी खुशियां, आपकी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है, और इसी वजह से आप उस व्यक्ति के गुलाम बन जाते हो और आपको उस वजह से बहुत तकलीफ हो जाती है। आपकी सारी आजादी जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है। इसे कहते हैं फॉलिंग इन लव। विश्व भर में जितने भी लोग शादी करते हैं और शादी करके जो प्रेम करते हैं या उसके पहले भी जो प्रेम करते हैं, अक्सर इसी प्रेम से सभी लोग हम वाकिफ हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बचपन में हम एक गेम खेलते थे, लंगड़ी दौड़। लंगड़ी दौड़ इस गेम में ऐसा होता था कि दो व्यक्तियों के पैर, दो व्यक्तियों के एक एक पैर एक दूसरे से बांध दिए जाते थे। यानी कि मेरा राइट पैर और किसी दूसरे व्यक्ति का लेफ्ट पैर मुझसे बांध दिया गया है। ऐसा करने पे फिर होता क्या था, मुझे जाना है लेफ्ट में तो वो मुझे राइट में खींच लेगा, मुझे जाना है राइट में तो वो मुझे लेफ्ट में खींच लेगा, वो झुक गया तो मुझे भी झुकना पड़ेगा, वो रुक गया तो मुझे भी रुकना पड़ेगा, मुझे अगर तेजी से चलना है तो उसे स्लो चलना है, उसे अगर तेजी से चलना है तो मुझे स्लो चलना है। मतलब शुरुआत से लेके अंत तक हम दोनों एक दूसरे पे पूरे पूरे निर्भर हो गए, और दोनों में से एक को भी आजादी नहीं है। दोनों को एक दूसरे को साथ में लेके चलना है और एक दूसरे के लिए जीना है, जहां पे आजादी खत्म हो जाती है, जहां पे आपका स्वयं का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं लंगड़ी दौड़। लंगड़ी दौड़ का अर्थ ये है दाम्पत्य जीवन, शादी, विवाह। विवाह में भी लगभग ऐसा ही होता है ना कि हम हमारी अपनी सारी इच्छाओं को मार देते हैं, और कई बार हमें सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, और कई बार सामने वाला व्यक्ति भी हमारे लिए बहुत सारी सेक्रीफाइस करता है। तो ये जो प्रेम का प्रकार है जिससे कि आप, मैं और पूरा विश्व वाकिफ है, इसे कहते हैं फॉलिंग इन लव। जहां पे अपनी आजादी खो देना, अपनी स्वतंत्रता खो देना, अपना अस्तित्व खो देना, और इसमें जो बलवान होता है वो दूसरे को गुलाम बना देता है। गुलामी वाला प्यार हो गया ये। तो रहीम जो है इस प्रेम की बात नहीं कर रहे कि प्रेम पंथ बड़ो कठिन, इस प्रेम की बात नहीं कर रहे रहीम, तो कुछ और प्रेम की बात कर रहे। ये प्रेम तो बड़ा सरल है, लाखों वर्षों से आपने और मैंने ये किया है, मनुष्य ने किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिसकी प्रैक्टिस आपको लाखों वर्षों से हो, वो प्रेम भला कठिन कैसे हो सकता है। आप भी 20-25 साल से इसकी प्रैक्टिस करते हो तो करते करते अभी ये आपकी आदत बन चुका है, तो अब ये आपके लिए कठिन नहीं है। तो रहीम ने इस प्रेम की बात नहीं की है कि प्रेम पंथ बड़ो कठिन। रहीम ने जिस प्रेम की बात की है वो प्रेम तो कुछ और है। तो दूसरा प्रेम का प्रकार क्या है? दूसरा प्रेम का प्रकार है बीइंग इन लव। बीइंग इन लव का अगर हिंदी में रूपांतरण करूं, अनुवाद करूं, तो इसका अर्थ होता है कि प्यार में होना।
अब ये बात थोड़ा जो है हमें समझनी पड़ेगी। पहला जो प्रकार था फॉलिंग इन लव, वो सच भाषा में अगर कहूं तो वो भेड़ चाल है, उसमें कुछ बुद्धिमान जैसा कोई काम नहीं था, भेड़ चाल था। जो मेरे पूर्वजों ने किया वो मैंने भी किया, इसमें कुछ भी बुद्धि थी नहीं इसमें कहीं पर। भेड़ों जानवरों वाला प्यार है, इंसानों वाला प्यार नहीं है, साधारण मनुष्य जो प्यार करता है वो प्यार था। दूसरा जो प्रकार है बीइंग इन लव, प्यार में होना, ये प्यार पहले वाले प्यार से थोड़ा सा उच्च है, उच्च प्रकार का प्रेम है। बीइंग इन लव का मतलब ये होता है, इसे एक उदाहरण के तौर से आपको समझाऊं। बहुत अच्छे लेखक ने एक बात कही थी कि मंदिर की जो छत है वो दो पिलर पे खड़ी रहती है। अगर इन पिलर को अधिक पास में खड़ा कर दिया जाए और उसके ऊपर छत खड़ी कर दी जाए तो वो छत गिर जाएगी। अगर पिलर को इतने पास खड़ा कर दो और ऊपर कोई छत बनाई जाए तो वो छत गिर जाएगी। लेकिन अगर उन पिलर को अधिक मात्रा में दूर रखा जाए तब भी क्या होगा, उस छत को सपोर्ट नहीं मिलेगा और वो छत गिर जाएगी। तो उन पिलर को एक ऐसी मात्रा में, एक ऐसे डिस्टेंस पे दूसरों को साथ, दूसरे के साथ खड़ा करना होता है जहां पे वो दोनों पिलर जो है उस छत का संतुलन बनाए रखने में सफल हो। तो एक एक पर्याप्त मात्रा में उन दोनों पिलर्स के बीच में डिस्टेंस रहना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। इसे ही कहते हैं बीइंग इन लव। बीइंग इन लव का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को प्रेम में गिरने के बाद, प्रेम में पड़ने के बाद, प्रेम में होने के बाद में इतनी स्पेस देने की कि न ज्यादा करीब न ज्यादा दूर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनके किताब में एक उदाहरण दिया था जो इस वक्त मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि स्त्री को एक पुरुष से प्रेम हो गया और पुरुष को भी स्त्री से प्रेम हो गया। तो पुरुष ने स्त्री से कहा कि चलो हम शादी कर लेते हैं। तो स्त्री ने कहा कि शादी करनी है तो एक काम करना पड़ेगा, एक ही शर्त। पुरुष ने पूछा ऐसी कौन सी शर्त है, तो स्त्री ने कहा कि शादी के बाद मैं नदी के इस पार रहूंगी और तुम नदी के उस पार रहोगे। पुरुष बिल्कुल बौखला गया। पुरुष ने कहा कि ये कैसा प्रेम, प्रेम करने के बाद तो अक्सर लोग साथ में रहते हैं और तुम तो प्रेम करने के बाद मुझे कह रही हो कि मैं नदी के इस पार और तुम नदी के इस पार, ऐसा कैसे प्रेम संभव है। तो उस औरत ने, उस स्त्री ने जवाब दिया, प्रेम करने के पहले तक ये बात ठीक थी कि हम दोनों साथ में रहे थे, पर प्रेम करने के बाद में अगर हमें शादी करनी है तो हम दोनों को एक दूसरे से अलग रहना होगा ताकि हम दोनों के बीच की जो स्पेस है वो मेंटेन रहे, हम दोनों की जो आजादी है वो मेंटेन रहे, हमारी स्वतंत्रता जो है वो रहे, हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं का, विचारों से दमन ना करें बल्कि हम एक दूसरे की भावनाओं का रिस्पेक्ट करें। इसलिए एक दूसरे के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना जरूरी है। मैं अगर तुम्हें कभी बुलाऊं मिलने के लिए तो तुम चले आना मुझे मिलने के लिए, लेकिन तुम्हारी मर्जी हो तभी तुम आना, मैं बुलाऊं इसलिए कभी मुझे मिलने मत आना। और अगर तुम मुझे कभी मिलने के लिए बुलाओ तो मैं चली आऊंगी, लेकिन उसमें मेरी मर्जी होगी तभी मैं तुमसे मिलने आऊंगी। ऐसी कंडीशन उस स्त्री ने उस पुरुष के साथ में रखी। रविंद्रनाथ टैगोर जी के किताब में ये उल्लेख है। तो सोचिए दोस्तों, उस जमाने में इतनी बड़ी बात कहना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। जब आप प्रेम में होते हो तो एक दूसरे को स्पेस देना, ये जो प्रेम का दूसरा प्रकार है वो प्रेम का उच्च प्रकार है, पहले वाले प्रकार से बड़ा प्रकार है, ऊंचा प्रकार है प्रेम में होना। रहीम इस प्रेम की बात भी नहीं कर रहे हैं। तो भी आप सोच रहे हो कि रहीम जो है वो कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं जो कि बहुत कठिन है, इससे भी कठिन है, पहले वाले से दूसरा कठिन है, वो दूसरा से भी जो तीसरा है रहीम जो है उसकी बात कर रहे हैं। और उस प्रेम का नाम क्या है, पहला हो गया फॉलिंग इन लव, दूसरा हो गया बीइंग इन लव, और तीसरा जो प्रेम का प्रकार है वो है बीइंग लव। बीइंग इन लव नहीं, बीइंग लव। प्रेम में होना नहीं, प्रेम हो जाना। आप स्वयं प्रेम बन जाइए, आप किसी से प्रेम में होइए मत, आप स्वयं ही प्रेम बन जाइए। अब ये बात को समझना थोड़ा सा सभी के लिए मुश्किल है, तो मैं इसे थोड़ा सा
उदाहरण देके इसे आसान किए देता हूं। दोस्तों, प्रेम होना ये क्या होता है? ये बिल्कुल वैसी ही घटना है जैसे कि एक फूल है। एक फूल की जो खुशबू होती है वो इस सृष्टि में परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है, जिसे भी इस परमात्मा ने सृष्टि में जिसको भी बनाया है, उस फूल की जो खुशबू होती है वो सभी पशु पक्षी, आदमी, औरत, आसमान, चांद, तारे, छोटे से छोटा जीव, बड़े से बड़ा जीव, समस्त सृष्टि के प्रति उसकी जो खुशबू होती है वो समान होती है। वो किसी से भेदभाव नहीं करती है, किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं होती है, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं होती है। उस पे कोई व्यक्ति अपना हक नहीं जता सकता और वो किसी एक व्यक्ति को ही वो खुशबू नहीं देता है। अगर आप चाहे कि उस खुशबू को लिफाफे में डाल ले, पैक कर ले और अपने घर पे लेके चले जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। फूल की जो खुशबू है वो सभी सृष्टि के प्राणियों के लिए समान होती है। फूल की खुशबू सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए समान होती है। एक मोमबत्ती का जलना और जल के प्रकाश देना सभी के लिए समान होता है। अब ये आप पर है कि आपको वो खुशबू लेनी है या नहीं लेनी है, पर उसका स्वभाव है खुशबू को फैलाना। मोमबत्ती का स्वभाव है रोशनी को फैलाना। अब आपको अगर रोशनी की जरूरत नहीं है तो आप भले मत लीजिए, लेकिन उसने आपको समान रोशनी दी है। तो प्रेममय होना यानी कि प्रेम स्वयं का बन जाने का अर्थ ये होता है कि सृष्टि में जो कुछ भी परमात्मा ने बनाया है, वो चाहे चांद हो, तारे हो, आसमान हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, छोटे से छोटा जीव हो, बड़े से बड़ा जीव हो, सभी के प्रति, किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं, सभी सृष्टि के प्रति जिसे भी परमात्मा ने बनाया हो, उन सभी के प्रति आपके मन में प्रेम का भाव होना, उन सभी से समानता से प्रेम करना, अर्थात अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो ये प्रेम का उच्चतम स्वरूप है। और प्रेम का उच्चतम स्वरूप को जो है वो करुणा कहा जाता है, कंपैशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। प्रेम का उच्चतम स्वरूप जो है वो करुणा, करुणा यानी कि कंपैशन। करुणा का जो भाव है वो सभी के लिए समान होता है। ये जो प्रेम है रहीम, इस प्रेम की बात कर रहे हैं, और ये प्रेम करना बड़ा ही कठिन होता है। दोस्तों, पहला जो प्रेम है जो कि फॉलिंग इन लव, उसमें काम वासना होती है। दूसरा जो प्रेम है बीइंग इन लव, उसमें एक स्टेप ऊपर आप जाते हो जिसमें मैत्री भावना होती है, दोस्ती वाली भावना होती है, जिसमें हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं। और तीसरा जो प्रेम है वो प्रेम का उच्चतम प्रकार है, आप स्वयं ही प्रेम बन जाओ, उसमें करुणा की भावना होती है जो कि सबसे ऊंची भावना होती है। और जो करुणा की भावना होती है वो सभी के लिए समान होती है। तो तीसरे स्तर की बात कर रहे हैं रहीम, जहां पे पहुंचना बहुत कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है। और तीसरे स्तर पे पहुंचने के लिए, स्वयं को प्रेम बनाने के लिए आपको जो है ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि ध्यान से ही आप प्रेम के उस उच्चतम स्तर पे पहुंच सकते हो जहां पे मस्तिष्क में आने वाले सारे विचार जो है समाप्त तो हो जाते हैं। और जब मस्तिष्क से सारे विचार समाप्त होके वो आपके हृदय में उतर जाते हैं, तो वही विचार जो है करुणा में तब्दील हो जाते हैं। रहीम ने इस प्रेम की बात की है दोस्तों। तो मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा कि पहला जो प्रकार था प्रेम का, जिसमें हम हमेशा गुलामी करते हैं और गुलाम बनाते भी है, उस प्रेम से ऊपर उठिए। आप अगर इस प्रेम से ऊपर उठोगे तो आप अत्याचार, विचारों का जो अत्याचार, आदान प्रदान जो एक दूसरे पे कर रहे हो वो बंद हो जाएगा और आप एक स्टेप ऊपर आओगे। ऊपर आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा बीइंग इन लव, जहां पे आप मैत्री भाव पैदा करोगे, काम वासना से ऊपर उठोगे और एक दूसरे के विचारों को सम्मान करोगे, इज्जत दोगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करोगे। वहां पे काम वासना बहुत कम हो जाती है, जहां पे सद्भावना एक दूसरे के लिए अधिक बढ़ जाती है, बिल्कुल मंदिर में उस दो पिलर की तरह जिसपे छत खड़ी होती है। और तीसरा जो उदाहरण दिया है मैंने कि आप स्वयं प्रेम बन जाओ, यहाँ पे पहुंचने के लिए ध्यान ही एकमात्र सूत्र है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया। पसंद आया तो इस वीडियो पे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल अच्छी लगने पर, वीडियो अच्छा लगने पर इस चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार दोस्तों कह रहा हूँ कि इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोग, सभी प्राणी जो है अपने प्रेम में ऊपर उठे, ना कि नीचे गिरे। बहुत बहुत धन्यवाद।